हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बीच में। तो जैसा आप देख पा रहे हो, टेस्ट क्रॉस व्हेन क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट्स, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन के प्लांट और रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षणों के बीच, अप्रभावी पेरेंट के बीच में, जब जनक के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, रेड को हमने लिखा हुआ है कैपिटल R से और व्हाइट को लिखा हुआ है स्मॉल R से, और जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में ये हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे, और जब इनमें से एक यानी ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस करा देंगे हम रिसेसिव पार्टनर से, पेरेंट से, कैपिटल आर स्मॉल आर का करा देंगे क्रॉस हम किससे, रिसेसिव पेरेंट से, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा 50% रेड एंड 50% व्हाइट। उसी तरीके से बैक क्रॉस में है, व्हेन क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड विद एनी पेरेंटल करेक्टर, इसमें क्या करेंगे, हाइब्रिड का क्रॉस करा देंगे किसी भी जनक से यानी एनी पेरेंटल करेक्टर से करा देंगे, तो हमको वहां पर बैक क्रॉस मिलेगा। जैसे हमने प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट दो प्लांट लिए और उनका क्रॉस कराते हैं, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमको हाइब्रिड मिलते हैं। अब ये जो हाइब्रिड है, इस हाइब्रिड का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी का या तो हम कैपिटल टी स्मॉल टी से करा सकते हैं या स्मॉल टी से करा देंगे, किसी से भी करा देंगे। तो हमने एक्चुअली कैपिटल टी और कैपिटल टी से कराया, तो जो हमको रिजल्ट मिला वो 50% टॉल एंड 50% हाइब्रिड मिला। इस तरीके से बायोलॉजी के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।